एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। यह बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे, उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहां पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास में जो भी कुछ था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी, तो जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टेन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए जाकर के उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और जाकर के उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत पेंटिंग तो आपने वहां पर नहीं रख दी है। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन करके गुस्से से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया। और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने अपने माइक सुन के मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ओनर था वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल है, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जा करके देखिए वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है, और ये ही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है, उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जा करके बिठा दो, वो वहां पर भी जा करके दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब।